नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में पुलिस ने दो केस दर्ज किए हैं। पहला केस न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में आगजनी, दंगा फैलाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान और साथ ही सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का दर्ज हुआ है। वहीं दूसरा केस जामिया नगर थाने में दंगा फैलाने, पथराव और सरकारी काम में बाधा करने का दर्ज हुआ है। अभी ये साफ नहीं है कि ये केस किसके खिलाफ दर्ज हुए हैं। इससे पहले दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में नागरिकता कानून के विरोध में हिंसक प्रदर्शन और छात्रों की बर्बर पिटाई के बाद रात भर पुलिस मुख्यालय के बाहर छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। जामिया के साथ जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र जामिया के छात्रों के समर्थन में जुटे और पुलिस और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सुबह 4 बजे के करीब छात्र पुलिस मुख्यालय से हटे हैं।